आगामी लोकसभा चुनाव 2024 का सबसे ताजा सर्वे जारी हो गया है, जिसमें हमारी टीम ने देश के 543 लोकसभा सीटों पर जाकर वहां के करीब 50,000 मतदाताओं से बात की है। मोदी जी विकास कर रहे हैं, बहुत अच्छा विकास कर रहे हैं। राहुल गांधी जी मेरे हिसाब से तो भाई नहीं कर पाएंगे देश का पूरा, चाहे वो कांग्रेस हो, चाहे वो बीजेपी हो, चाहे कोई भी हो। जो 2000 करोड़ 5 साल नहीं चला पाए तो सरकार क्या चलाएंगे। मोदी जी कितने पैसे रखते हैं पर्स में, मोदी जी कैसे चूस के आम खाते हैं। दूसरी पार्टी वाले बदनाम करने की कोशिश कर रहे हैं हमारे नरेंद्र मोदी जी को। आकलन के अनुसार आप लोगों को पहले से ही पता है कि मोदी सरकार 300 से ज्यादा सीटें जीतने वाली है, जिसको लेकर खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी बीजेपी को 370 और एनडीए को 400 सीट पार होने का दावा किया है। जिसने 370 हटाया उस बीजेपी का टीका 370 सीटों से होगा, एनडीए को 400 पार। लेकिन एक्चुअल फिगर क्या होगा इसके बारे में मैं आपको आज सटीक रिपोर्ट बताने वाला हूं। जी हाँ, आज अगर चुनाव होते हैं तो बीजेपी को कितनी सीटें मिलेगी, पूरे एनडीए को कितने सीट मिलेंगे, राहुल गांधी के कांग्रेस पार्टी को कितनी सीटें मिलेगी और पूरे इंडिया गठबंधन को कितनी सीटें मिलेगी, ये हम आपको एक एक कर बताएंगे। इतना ही नहीं, इस सर्वे का जो सबसे बड़ा पहलू है और सबसे बड़ा रिजल्ट है वो ना केवल सिर्फ चुनाव का है, बल्कि चुनाव के बाद क्या होगा और बीजेपी के लिए ये चुनाव जीतना क्यों जरूरी है, बीजेपी इसे जीतने के लिए क्यों अपने तमाम वसूलों को भी ताक पर रखकर 400 सीट पार करना चाहती है, इसको लेकर भी हम आपको एक एक पॉइंट बताएंगे। इसके अलावा हम आपको ये भी बताएंगे कि बीजेपी और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का जो एक नारा था कांग्रेस मुक्त भारत का, वो कहीं कांग्रेस युक्त बीजेपी तो नहीं बनता जा रहा है, और इस कांग्रेस युक्त बीजेपी से क्या बीजेपी का नुकसान होने वाला है, क्या बीजेपी अपने मूल मुद्दे को भूलकर किसी भी शर्त पर सत्ता में बने रहना चाहती है, ये भी हम आपको बताएंगे। नमस्कार, मैं हूं नीरज कुमार और आप देखना शुरू कर चुके हैं मोबाइल न्यूज 24, जिसमें हम आपको 2024 लोकसभा चुनाव के बारे में बता रहे हैं। जी हाँ, आज अगर चुनाव होते हैं तो किस पार्टी को कितनी सीटें मिलेगी, इसका पूरा डिटेल हम बताने वाले हैं। इसलिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, नोटिफिकेशन बेल को दबा दीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दीजिए। तो चलिए शुरू करते हैं और सबसे पहले हम आपको बताते हैं कि आज अगर लोकसभा का चुनाव होता है तो बीजेपी को कितनी सीटें मिल सकती है। जैसा कि आप सभी को पता है कि 2019 लोकसभा चुनाव में बीजेपी को 300 से अधिक सीटें मिली थी और एनडीए को करीब 350 का आंकड़ा छूने के लिए जनता ने अपना मत दिया था, लेकिन इस बार बीजेपी अकेले 350 के पार जा सकती है। हालांकि पीएम मोदी के 370 के आंकड़े से ये थोड़ा कम जरूर है। पूरे एनडीए की बात करें तो पूरे एनडीए मिलाकर 400 का आंकड़ा छूने में थोड़ा नीचे रह सकती है और हमारे टीम का आकलन है कि एनडीए को 385 से 390 के आसपास सीटें मिल सकती है। वहीं कांग्रेसी नेता राहुल गांधी के भारत जोड़ो न्याय यात्रा का लोकसभा चुनाव में कितना फर्क पड़ेगा, इसको लेकर जब जनता से हमने जानने की कोशिश की तो कहीं ना कहीं इसका फायदा राहुल गांधी को दक्षिण भारत में जरूर मिलता हुआ दिख रहा है। हालांकि पूरे देश की बात करें तो उत्तर भारत में कांग्रेस पार्टी एक बार फिर से नीचे की तरफ लुढ़कती हुई दिख रही है, लेकिन उत्तर भारत में जो नुकसान राहुल गांधी के कांग्रेस पार्टी को होने वाली है वो दक्षिण भारत में पूरा होता हुआ दिख रहा है। और जिस प्रकार से बीते 2019 लोकसभा चुनाव में कांग्रेस पार्टी को 50 के करीब सीटें मिली थी तो इस बार भी लगभग 50 के करीब
सीटें मिल सकती है, अर्थात 40 से 50 के बीच में कांग्रेस पार्टी को सीटें मिल सकती है। वहीं पूरे इंडिया गठबंधन की अगर बात करें तो इंडिया गठबंधन को 90 सीटें मिलने का अनुमान है। वहीं अगर वोटों के प्रतिशत की बात करें तो एनडीए गठबंधन को करीब 44% वोट मिलने का अनुमान है, जबकि 2019 में एनडीए को करीब 38.5% वोट मिले थे। वहीं इंडी गठबंधन को इस बार 27.7% वोट मिलने का अनुमान है, जबकि 2019 की बात करें तो यूपीए गठबंधन को 26.3% वोट मिले थे। तो ये तो लोकसभा चुनाव के लिए सर्वे का रिपोर्ट था कि बीजेपी पूर्ण बहुमत के साथ एक बार फिर से सत्ता में वापसी कर रही है। अब चलिए सत्ता में वापसी करने के बाद बीजेपी को इसका कितना फायदा होगा या क्या नुकसान हो सकता है, इस पर एक नज़र डालते हैं। जिस प्रकार से बीते 2-3 सालों में बीजेपी में कांग्रेस के तमाम दिग्गज नेता शामिल हो गए हैं, इससे बीजेपी को कितना फायदा होगा कितना नुकसान, इस पर भी एक नज़र डाल लेंगे। यहाँ आपने खबरों में जरूर सुना होगा कि बीते दिनों महाराष्ट्र के पूर्व सीएम अशोक चव्हाण कांग्रेस में शामिल हुए। महाराष्ट्र के ही कार्यकारी कांग्रेस अध्यक्ष भी कांग्रेस छोड़कर बीजेपी में शामिल हो गए। असम के मुख्यमंत्री जो आज हैं वो पहले कांग्रेस के ही थे और वहां के भी कार्यकारी अध्यक्ष बीते दिनों कांग्रेस छोड़कर बीजेपी में आ गए हैं। मध्य प्रदेश के दिग्गज कांग्रेसी नेता ज्योतिरादित्य सिंधिया 2 साल पहले ही कांग्रेस छोड़कर बीजेपी में आए थे और हाल ही में बात चला था कि कमलनाथ अपने बेटे के साथ बीजेपी में आएंगे, लेकिन किसी कारण उन्हें नहीं लिया गया। इसी प्रकार उत्तर प्रदेश के जतिन प्रसाद जो कांग्रेस के दिग्गज युवा नेता थे वो भी कांग्रेस में आ गए। इतना ही नहीं, बीते दिनों समाजवादी पार्टी के पूर्व नेता, कांग्रेस के कई नेता और बसपा के नेता भी बीजेपी में शामिल हो चुके हैं। पंजाब की बात करें तो पंजाब के पूर्व कांग्रेसी मुख्यमंत्री अमरिंदर सिंह भी बीजेपी में हैं और बीजेपी के वर्तमान अध्यक्ष सुनील जाखड़ भी कांग्रेस से ही बीजेपी में आए हैं। ऐसे वो तमाम बड़े चेहरे हैं जो बीजेपी में आज बड़े ओहदे पर बैठे हुए हैं और यही कई वजह है जिस कारण बीजेपी 400 पार का नारा देने में सक्षम हो रही है, लेकिन इसका खामियाजा कहीं ना कहीं बीजेपी के ग्रास रूट नेताओं पर पड़ रहा है। बीजेपी के साथ दशकों से जुड़े कार्यकर्ताओं में निराशा का भाव दिखता है, हालांकि वो कुछ बोलने से इनकार करते हैं लेकिन दबे जुबान में ये जरूर कहते हैं कि उन्होंने बीजेपी को सींचने के लिए ना जाने कितने लाठियां खाई हैं, कितने डंडे पड़े हैं, कितने लोगों के सर टूटे हैं। कई बीजेपी कार्यकर्ताओं ने कहा है कि जिन तत्कालिक कांग्रेसी विधायकों और सांसदों ने उन्हें डंडे मरवाए थे, उनके साथ अत्याचार किया था, आज वो बीजेपी में एमएलए हैं या फिर एमपी हैं। ऐसे में वो अपने आप को ठगा हुआ महसूस कर रहे हैं। फिर भी वो खुलकर विरोध तो नहीं कर रहे क्योंकि उनका रूट आरएसएस का है और वो कहते हैं कि वोट तो हम बीजेपी को ही देंगे, लेकिन ये सही राह नहीं है। बीजेपी को अपने मिशन पर चलते रहना चाहिए था, चाहे 2-4, 10, 50 सीट कम भी आए, लेकिन बीजेपी अपने रूट वर्करों को ही टिकट दे तो ज़्यादा अच्छा होगा, क्योंकि खुदा न खास्ता 2029 या 2035 या कभी न कभी अगर ये तमाम कांग्रेस से आए हुए सांसद विधायक अगर अपना पाला बदलना शुरू कर दें तो मीडिया में मैसेज जाएगा कि लोग बीजेपी छोड़कर जा रहे हैं, इसका मतलब बीजेपी में कहीं ना कहीं कुछ न कुछ गड़बड़ है। तो कहीं ये एक कांग्रेस की बड़ी चाल तो नहीं है, साजिश तो नहीं है? आने वाले 2029 लोकसभा चुनाव या अन्य विधानसभा चुनाव को लेकर चुनाव से पहले ये तमाम नेता दिन ब दिन अपना इस्तीफा दें और वो मीडिया में बनकर ये मैसेज जाए लोगों में कि बीजेपी में सब कुछ ठीक नहीं चल रहा है, लोग इस्तीफा पर इस्तीफा दे रहे हैं। तो ये बात को भी बीजेपी को समझ लेना चाहिए कि 2024 ही नहीं 2029 में इसका नुकसान भी हो सकता है, इसलिए बीजेपी को कांग्रेस युक्त बनाने से बचना चाहिए।
हमसे बड़े बड़े थिंक टैंक आरएसएस और बीजेपी में बैठे हुए हैं, वो भी कुछ न कुछ सोच के ही ये निर्णय ले रहे होंगे और इसका काट भी वो लोग ढूंढ रहे होंगे। हमारे दिमाग में जो आया और हमसे जो जनता ने शेयर किया वो हमने आप तक पहुंचाया है। अब आप इस पर क्या समझते हैं हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं। अगर ये वीडियो अच्छा लगा हो तो ही इसे लाइक करें और अगर अच्छा नहीं लगा हो तो कमेंट करके ज़रूर बताएं। साथ ही वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि ये ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक मैसेज जाए और वो इसका आकलन कर सके। बने रहिए मोबाइल न्यूज़ 24 के साथ। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, नोटिफिकेशन बेल को दबाइए, वीडियो को लाइक कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए ताकि आप और आपके जानने वाले रह सकें देश और दुनिया के तमाम खबरों से अपडेट।